तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द हैशटैग पे। तो आज हम बात करेंगे भारत में 24 मई 2021 को रिलीज होने वाली, सोच सकते हैं क्या आप? सोचो, अगर आपको सोच लिया तो कमेंट करके पहले बता दे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 11 प्रो। अब किसका 11 प्रो? रेडमी का। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्रो का डब्बा मैंने रख रखा है, अब 11 प्रो आ गया है। दोस्तों 11 प्रो में क्या खासियत है हमारी, वो मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा, और इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और अब इसकी हम पूरी बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस की इसकी हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 888। ये हमारे प्रोसेसर का है, ये हमें प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा रेडमी के जितने फोन होते हैं उसमें स्नैपड्रैगन ही आता है। तो 888 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गेमिंग के लिए। तो आपके लिए बहुत ही, ये आपको अलग किसी वेरिएंट में नहीं आएगा, ये एक ही वेरिएंट इंडिया में आने वाला है, जो कि ये 8GB 8GB रैम में ही वेरिएंट आपको मिलेगा, और आपको कोई नहीं मिलने वाला है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों डिस्प्ले की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 6.81 का एमोलेड डिस्प्ले, तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। जो MI में अभी तक का आया है इसमें एमोलेड था, लेकिन 6.81 का ये बड़ा स्क्रीन आपको इस फोन में मिलने वाला है। 120 GHz की आपको रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है इसके साथ, 120 GHz। और उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है, वो तो MI में मिलता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। और उसके साथ 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 आपको मिलेगा बेजल लेस डिस्प्ले। दोस्तों बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगा, बेजल का मतलब क्या होता है, जो फोन के साइड में स्क्रीन के मतलब साइड से ब्लैक कलर का जो लाइनिंग होती है वो आपको ना के बराबर मिलेगा। तो दोस्तों हम इसके कैमरा की बात कर ले रहे हैं, तो कैमरा इसमें आपको, पहले मैं रियर कैमरे की बात करूंगा, तो रियर कैमरे में 3 कैमरे आपको मिलते हैं। तो प्राइमरी कैमरे का होता है 50 MP का कैमरा होता है। तो अब हम बात करते हैं टेलीफोटो की, 8 MP का आपको टेलीफोटो का मिल जाता है, और अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाता है 13 MP का। अब हम बात करते हैं बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी यहाँ पे। दोस्तों आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हो, और साथ साथ 24 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हो। करते हैं फ्रंट कैमरे की, कैमरे की बात करें तो आपको 20 MP का वाइड कैमरा लेंस मिल जाता है, वाइड एंगल लेंस आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको देने वाला है। उसके साथ साथ आप ब्लॉगिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका कैमरा है। अभी 23 मई को लॉन्च होगा ये इंडिया में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ब्लॉगिंग के लिए जो भी लेना चाहते हैं इस फोन के लिए आप वेट करें। बात करेंगे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है, और आप सोच भी नहीं सकते इसके चार्जर आपको मिलेगा 67 W की, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों आप बहुत ही कम समय में अपना फुल चार्ज कर पाओगे। हम बात करते हैं इसके सिम की, तो इसमें दोनों सिम नैनो लगेगा, लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट भी बता दूं आपको, इसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप उसे एक्सपेंड नहीं कर पाओगे बाहर से, जितना मिल गया उतने में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये साइड इफेक्ट है। अगर आप फोन को स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए फोन नहीं है दोस्तों, आप ये फोन के लिए ना कर दें, क्योंकि आपको इसमें स्टोरेज मिलेगा ही नहीं। 128 GB आजकल के जमाने में कुछ नहीं है भाई, तो आप इसके लिए स्किप। इसकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों कि ये डस्ट प्रोटेक्ट में आपको मिलता है, और साथ में वाटर रेजिस्टेंस में भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये डस्ट रेजिस्टेंस में भी मिल रहा है आपको, वाटर ना धूल का असर होगा ना पानी का असर होगा, आप कहीं भी इस फोन को रफ तक यूज कर सकते हैं। कलर की बात करेंगे तो ये 3 वेरिएंट के कलर में हमारे पास उपलब्ध होगा, ब्लैक, ग्रीन और पर्पल। और दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
अगर दोस्तों आप गेमर्स हो, अगर गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो आप इस फोन को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है, चिपसेट भी अच्छा मिल रहा है, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आप हम बात करें यहाँ पे कि आप अगर स्टोरेज ज्यादा रखते हो तो आपके लिए ये फोन मैं तो कहूंगा कि मत लो। लेकिन अगर आप गेमर्स हो तो मैं दोस्तों फिर से कहूंगा आप ले सकते हो। कैमरा भी बहुत अच्छा है, अगर आप फोटो मतलब फोटो वोटो में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो ये ले सकते हो। बस तो इसका 55,000 के अराउंड रहने वाला है, इससे ना आगे पीछे हो सकता है, वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलता है दोस्तों, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप 24 तक वेट करो, उसके बाद मैं होश मंगा के फुल रिव्यू करूँ उसके ऊपर। तो आप तब तक हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।